ए फट जा। थोड़ा रिस्क हो सकता है इसको चलाना, फायर जैसा कुछ तो आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोकेशन देखे तो आप समझ गए हो कि हम लोग अभी हैं दिल्ली में और ये हमारा सेकेंड डे है। तो सेकेंड डे में क्या क्या होने वाला है ना, तो एक्चुअली रात को क्या हुआ था ना कि आयरा को फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, उसको हम लोगों ने दवा दी है और वो दवा खाने के बाद इतनी ज़्यादा हो गई है एक्टिव कि वो अभी बाहर चली गई है और खेल रही है, तो उसको दिखाएंगे अभी। और मैं हो रहा हूँ रेडी, तो पहले बाहर निकलते हैं। क्या बात है, यहाँ का वेदर इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ। थोड़ी ठंडी है। बलून फुला रही है या फिर पुराना ही बलून है? नहीं, बलून हम फोड़ने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं फूट रहा है। मैं फूडूं? ओ ओ ओए, मैंने कुछ नहीं किया। ए फट जा। अरे मैंने फोड़ दिया। ओए आ जाओ आ जाओ। कितने एनिमल्स हैं तुम्हारे पास? दो रैबिट्स, दो कैट्स, एक फिश और एक मम्मी डैडी। दिन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों के साथ खूब खेल भी लिया। अब बारी आती है खुश की। खुश जो कि उड़ चुका है और हम लोगों में होड़ लगी थी ना कि किसको सबसे ज्यादा वो रिस्पॉन्ड करता है देख के, तो हम लोगों ने ना अलग अलग अपनी लैंग्वेज में हम लोगों ने स्टार्ट करी बातें। तो मैंने बातें करी, कई सारी लैंग्वेज में बातें करी, तो उसमें ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड किया वो था भोजपुरी। देखते कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है इसको। और मजा मां और सब ठीक है? सब कुछ ठीक बा। हां मां भी नहीं, भोजपुरी इसमें ज्यादा रिएक्ट किया इसने। नया पेरेंट है। पुई किया ना तेलुगु पे। सभी लोग अपने में बिजी थे और इधर बच्चों की भी अपनी एक गैंग बन गई थी, तीन बच्चों की गैंग, और उन लोगों ने अपनी मस्ती अपने तरीके से गार्डन में जाके किया। अब थक गए तो आके घर पे बैठ के मूवी देखने के लिए बातें करी, तो मैंने कहा कि मेरे आईपैड में तो मुआना मूवी बची हुई है तो क्यों ना उसको देख लो आप लोग। और उसको इतना ज़्यादा पसंद है ना तीनों को कि तीनों ने ना पलक झपका ही पूरा देख रहे थे। तुम लोगों का गैंग इधर है क्या? तभी मैं बोलूँ कि तीनों कहाँ गुम है। अब पता है ये क्यों अभी अभी ना चिल्लाएंगे तीनों? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, बोला ना अभी चिल्लाएंगे। एक्चुअली ये लोग देख रहे हैं मोआना, इन लोगों का फेवरेट मूवी। ओके कौन मोआना है कौन मावी है? ये मावी हो गया, तुम मोआना हो गई और ये बूढ़ी काकी। काकी हे। ओके आ रहा हो तुम, ये बी इट सेल्फ, मतलब कि अपने आप में ही रहना चाहती है। मूवी देखते देखते उन तीनों को भूख लगी और उन लोगों ने बोला कि कुछ तो हमें खाने के लिए चाहिए, अगर पिज्ज़ा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा पिज्ज़ा ठीक है, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैं मुंबई में कई बार ट्राई कर चुका हूँ और सक्सेसफुल भी रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी ट्राई करें, लेकिन यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा फेवरेबल नहीं थी। पता है क्या? माइक्रोवेव। अंशु ने पहले ही बोल दिया था, ऑन किया था, देखो अपने ही रिस्क पे ऑन करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई तो करते हैं कम से कम एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी प्लान है हम लोग का पिज्ज़ा बनाने का। पिज्ज़ा बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो लगते हैं ना वो सब आ चुके हैं यहाँ पे, और किसकी हेल्प से? जेप्टो। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे जेप्टो चलेगा नहीं चलेगा, ब्लिंकिट आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जेप्टो है और जो मुझे चाहिए था वो सब आ चुका है। गो चीज़ जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए उपयुक्त है, इसके अलावा हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है, पिज़्ज़ा बेस भी मिल चुका है तो बहुत ही फ्रेश है। तो यहाँ पे एक क्या हो गया ना कि डिसअपॉइंटमेंट ये हो गई ना कि ये जो हमारा माइक्रोवेव है ना इसमें ग्रिल नहीं है, और ग्रिल में बनता है हमारा पिज़्ज़ा। फिर भी मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे कि पिज़्ज़ा जो है इसमें ही बने, क्योंकि बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस था अभी भी है कि पिज़्ज़ा घर पर बनेगा, घर का पिज़्ज़ा खाएंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि माइक्रोवेव में कोशिश करते कि पिज़्ज़ा बन जाए। अब ग्रिल नहीं है तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, पिज़्ज़ा नहीं तो कुछ और बन जाएगा, तो वही खा लेंगे हम लोग। तो ट्राई करते हैं।
तो यहाँ टॉपिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन अंशु दी ने बोला ना कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा रिस्क हो सकता है इसको चलाना, तो मैं भी थोड़ा डर गया हूँ मैं थोड़ा पहले से। तो यहाँ पे स्विच जो है मैं दबा के रखूँगा कि ये कहीं फटे वटे नहीं, मैंने वही से पूछा उनसे कि कहीं फटेगा तो नहीं ना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने सोचा ना कि इसको मैं ऑन करके ना भाग जाऊँगा किचन से बाहर, किचन के बाहर से देखूँगा कि क्या पक रहा है, और पक रहा है तो ब्लास्ट तो नहीं हो रहा ना, तो वही सब है। देखते हैं, पिज़्ज़ा हमारा तैयार है और ये प्लेन बना रहा हूँ बच्चों के लिए स्पेशली, कि उनको बहुत ज़्यादा ये मसालेदार और चीज़ें जो पोटैटो पता नहीं क्या क्या प्याज वगैरह जो डालते हैं ना, कैप्सिकम वगैरह, वो कुछ नहीं डालने वाले यहाँ पे। सिंपल और सिंपल एक चीज़ रहेगा, और चीज़ जो इसका नाम है, उसका नाम है मार्गरीटा पिज़्ज़ा। ऑन किया मैंने और कुछ तो आवाज़ें आने लगी, तो डायरेक्ट ऑन हो गया है, तो कुछ तो सच्चाई लग रही है मुझे कि ये पिज़्ज़ा सही में पिज़्ज़ा बनेगा नहीं बनेगा, उससे पहले तो मशीन अच्छी है कि नहीं अच्छी। तो मैं इस माइक्रोवेव पे नज़र रखने वाला हूँ, वो भी बाहर से, कि ज़्यादा कुछ हो ना हो। तो यहाँ पे लाल लाल दिख तो रहा है, यानी कि कुछ फायर जैसा कुछ तो आ रहा है। हाँ, अभी आवाज़ आने लगी, अभी जो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है। तो अभी मैं बाहर से रह के देखता हूँ कि कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही ना, और ब्लास्ट जैसी, तो पहले हम लोग देखेंगे अभी बाहर से। पिज़्ज़ा की टाइमिंग सेट करने के बाद ना मैं खुद में लग गया, बच्चों के साथ खेलने लगा, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि माइक्रोवेव में मैंने पिज़्ज़ा भी रखा है। अभी क्या होता है, जनरली क्या होता है ना कि आप पिज़्ज़ा रखते हो, टाइमिंग सेट करते हो। यहाँ पे क्या होता था ना कि यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से वो अपने आप से एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा वो टाइम। आप जैसे मान लीजिए 10 मिनट के लिए लगाया, 10 मिनट पार हो चुका है और उसका जो हीट था ना वो अपने आप से ज़्यादा होने लगा। तो एक बार तो पिज़्ज़ा ख़राब हो चुका था, अब दूसरी बार फिर से पिज़्ज़ा ट्राई कर रहा हूँ, और एक बार तो दिव्या ने बचाया था जलने से। उसने आया किचन में देखा और बोला कि अरे क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारा पिज़्ज़ा जल रहा है। थैंक यू यार, सही टाइम पे आके तुमने बंद कर दिया इसको। ऑटोमेटिक था ना ये, ऑटोमेटिक नहीं था, इसको मैन्युअली बंद करना पड़ता है। तो इसको ना आप सबसे पहले तो निकालो, इसको निकालेंगे कैसे, हमारा पिज्ज़ा। हम लोगों ने खोया पाया कुछ नहीं, हम लोगों ने पिज़्ज़ा पाया। आ जाओ, कौन खाएगा ये देखो, ट्राई करते हैं। पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा एक और ट्राई करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा सेकेंड ट्राई, तो फर्स्ट ट्राई ऑलमोस्ट फेल था, सेकेंड ट्राई अब देखते हैं इसको। आपको क्या लगता है इस बार सक्सेस मिलेगा या? मुझे बिल्कुल सक्सेस मिलेगा ना, तो सबसे ज़्यादा आप ही को खाना है फिर। कैसा लगा? अच्छा, अपडेट अच्छा है। तो पिज़्ज़ा बन गया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, और पता है घर के लोगों के अलावा ना चूहों ने भी खाया। चूहों ने क्यों खाया पता है कि बहुत ज़्यादा बना दिया था मैंने, और सब लोगों ने पसंद से खाया था, लेकिन उतना भी पसंद से नहीं बनाया था मैंने कि सब लोग खा लेते, तो उसमें से बच गया, तो हम लोगों ने चूहों को भी दिया, बिल्लियों को भी दिया। तो इस तरह करके आज का दिन जो था बहुत ही मज़ेदार था। खुश के साथ खेले, बच्चों के साथ खेले, पिज़्ज़ा भी बनाया, और जो माइक्रोवेव था उसके साथ भी दो दो हाथ कर लिए हम लोगों ने। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा कि हमारे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वो हमारे लिए अच्छे, कि हम किस दिशा में जा रहे, कैसा जा रहा है हमारा जो व्लॉग है। अभी वापस से हम लोगों ने स्टार्ट तो किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको रोके नहीं और एक कंटिन्यू चलता रहे। आपको कैसे कंटेंट पसंद आते वो भी ज़रूर लिखिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।